नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव दिखा है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि बिहार के सिर्फ अन्य जिले ही नहीं बल्कि राजधानी पटना में भी लगातार गोलियां गूंज रही हैं और अपराधियों के हौसले जो हैं सिर चढ़कर बोल रहे हैं। उस राजधानी में, जिस राजधानी में पुलिस का पूरा महकमा रहता है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, और उसी राजधानी पटना में एक बार फिर से आधे घंटे के भीतर दो लोगों की हत्या गोली मार कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की गश्ती पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए, बड़ी खबर राजधानी पटना से, दो लोगों की हत्या की गई है और इसके बाद लोगों में आक्रोश और कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। खबर हम विस्तार से बताएं तो पटना में देर रात बेखौफ अपराधियों ने अलग अलग जगहों पर दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना सिटी में महज आधे घंटे के भीतर दो लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई, लोगों में खौफ का माहौल है। दोनों ही वारदातें आलमगंज थाना इलाके में रात के लगभग 12-12.5 बजे के बीच हुई और आधी रात में हुई इस हत्या के बाद जाहिर सी बात है पुलिस की गश्ती पर सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि पुलिस जब कहती है कि रात में सड़कों पर हमारी पहरेदारी होती है, पेट्रोलिंग की जाती है, गश्ती जो है वो चलती रहती है, तो ऐसे में अपराधी बेखौफ आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, तड़तड़ाते हैं और निकल जाते हैं, तो फिर काहे की गश्ती और काहे की पुलिस पेट्रोलिंग? ये तमाम सवाल जो है लोग कर रहे हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से दो लोगों की हत्या किए जाने के बाद, वो भी महज आधे घंटे के भीतर। जानकारी के मुताबिक पटना सिटी के बड़की पटर देवी के पास हरिलाल की गली में मंगलवार की देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत हुई जबकि दो लोग जख्मी हुए। वारदात दूसरी जो है वो जल्ला रोड में हुई है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब दूसरे जो युवक की बात हम कर रहे हैं, जल्ला रोड में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। करीब 25 वर्षीय युवक की पहचान नहीं हो पाई थी, जब तक ये खबर हम आपको बता रहे हैं। घटना से इलाके में हड़कंप है और मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच गई है। लोग बताते हैं कि दो गुटों में मंगलवार की रात को भिड़ंत हुई थी, तभी जेल से छूटे एक अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर 70 वर्षीय मिस्त्री शिवनाथ शर्मा की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से दो लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में रेफर किया गया, मतलब भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में राजधानी पटना में अलग अलग जगहों पर दो लोगों की हत्या हो गई है और बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, बिहार की राजधानी पटना का ये हाल है तो अन्य जिलों का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी, सीतामढ़ी में एक प्रोफेसर को चैंबर में घुस के ठोक दिया जाता है। समस्तीपुर से आपने खबरें देखी हैं, उसके अलावा मुजफ्फरपुर में तो हर दो दिन तीन दिन के बाद की ये कहानी है, या फिर कभी कभी तो लगातार भी। तो बिहार में अपराधियों के हौसले कितने ऊपर चढ़े हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार वो ताक पर रखकर चलते हैं, इसकी वानगी बार बार वो दिखाते हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल इसलिए इस बार उठ रहा है क्योंकि आधी रात की यह घटना है और राजधानी पटना में रात के 12-12 बजे सड़क पर पुलिस का न होना अपराधियों के हौसलों को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है और यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं एक बार फिर से सामने आई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।